पहले ही देश का नेशनल फ्लैग है, ठीक है, वो हमारे धर्म है, वो मेरी वही बोल रहे हैं देश है भाई। मैं बोल रहा हूँ दोनों चाहिए। जब सर पहले संविधान को लेके चलेंगे उसके बाद देश चलेगा सर, तो पहले तिरंगा झंडा फिर भगवा झंडा। अच्छा ठीक है, 26 जनवरी को क्या हुआ पता नहीं भाई, पता नहीं। और इस देश में एक नॉर्मल सी बात है, रिजर्वेशन को कोसा जाता है। मैंने बहुत से मैं देखता हूँ वीडियो, रिजर्वेशन को कोसा जाता है। रिजर्वेशन इस देश में उन गरीब तबकों को रिप्रेजेंट करा उसने। रतन टाटा को कोई थ्रेट नहीं है, तो इतने बड़े जनसंख्या को कैसे थ्रेट हो सकता है? भगवा भी चाहिए ही चाहिए। क्यों? बस धर्म तिरंगे में ना, वो भी तिरंगे में, उसकी भी वैल्यू है ना। बड़ा दुख की बात है, बहुतों को नहीं पता कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। सामने तिरंगा झंडा है, हमारा सूर्य छपने से उतारा जाता है। जब एक कर्मचारी यहाँ नहीं लगा सकते आप इसके सम्मान के लिए, तो आप क्या करोगे? नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ शुक्ला और हमेशा की तरह हम फिर से हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ, जनता की नब्ज टटोलने के लिए कि जनता के दिल में क्या है। आपने देखा कि राम मंदिर की स्थापना 22 तारीख को हुई, उद्घाटन हुई, और जिस तरीके से भगवा झंडे लहराए और धीरे धीरे उन भगवा झंडों को लेकर के, सब तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को भी तोड़ा। अब क्या जो हमारा देश है भगवा रिपब्लिक हो जाएगा? तमाम तरीके के सवाल हैं। बड़ा अच्छा ये आइडिया है कि अब जनता से पूछें कि भगवा झंडा ज़्यादा ज़रूरी है या तिरंगा झंडा ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर से हम एक बार कनॉट प्लेस में आ गए हैं। यहाँ इसलिए हम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे लोग मिलते हैं और तरह तरह के लोग मिलते हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रांतों से यहाँ पर आते हैं। कोई शॉपिंग करने के लिए आता है, कोई बातचीत करने के लिए आता है, परिवार के साथ आते हैं। उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में क्या है। भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या नाम है दोस्त आपका? तुषार। तुषार क्या करते हो आप? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ अभी। कॉलेज करेंटली आई एम जॉब। करेंटली यू आर वर्किंग। सो यू वर इंटरेस्टिंग थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपसे एक चीज़ पूछनी है। 22 तारीख को ये हुआ, भगवा झंडे आपने देखे पूरे देश भर में? नहीं एक्चुअली नहीं देखे, मैं बीमार था और सो ही रहा था पूरे टाइम। ऑरेंज झंडे देखे हैं यहाँ तो लगे हुए हैं हर जगह सब जगह। हाँ देखा है, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। अच्छा तो अच्छा बस जस्ट भगवा झंडा या तिरंगा झंडा? आई वुड प्रेफर नथिंग टू से, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या बोलना चाहिए। हमारा नेशनल फ्लैग या भगवा झंडा? अगर एज अ नेशनलिस्ट बोलूँ तो अपना नेशनल फ्लैग ही है फिर तो। नेशनल फ्लैग, तो तुषार ने अच्छी बात बोली नेशनल फ्लैग। आप बताइए नेशनल फ्लैग या भगवा झंडा? नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग। क्या करते हैं आप? मैं जॉब। आप भी जॉब करते हैं? अपना बिजनेस है। तो ये तो पूरा माहौल बना हुआ भगवा झंडा लगा करके, लोगों ने बड़ा माहौल बन गया। तो बनाया है योगी ने माहौल बनाया है अपना, माहौल बनाया है। लेकिन आपको लगता है कि भगवा झंडा? नहीं फ्लैग, फ्लैग सॉरी माफ कीजिएगा, फ्लैग हमारा ट्राई कलर। हाँ जी। क्या करते हैं तुषार आप? जॉब करते हैं? बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। क्या लग रहा है माहौल आपको देश में? माहौल तो अच्छा ही है फिलहाल तो, बट अपना फ्लैग होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। अपना फ्लैग होता तो फ्लैग यहाँ तो ज़्यादातर भगवा झंडे ही लगे हुए हैं। हाँ सारे वही। कल रिपब्लिक डे है और वो ही जो तिरंगा झंडा बड़ा वाला लगा हुआ है उसके अलावा ज़्यादातर तो भगवा झंडे नज़र आ रहे हैं। हाँ वही नज़र आ रहे हैं यहाँ पे तो, मेन तो वही नज़र आ रहे हैं। होना चाहिए था अपना कुछ वैसे होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, जैसे ये लाइटिंग हरी हुई है ऐसी फ्लैंक में भी वो लगा देते तो ज़्यादा बेटर लगता। ऑटो वगैरह में भी देखिए सारे भगवा झंडे सारे वही हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मुस्कुराहट आपकी बता रही है। और लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं कि भगवा झंडा या फिर उनको लगता है कि ओके तो भगवा झंडा, भगवा झंडा उनको सही लगता है या फिर वो तिरंगा झंडे की बात करेंगे। और देखिए माहौल भी आप देखिए, सजा भी हुआ है कनॉट प्लेस, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए बढ़िया लाइटिंग तिरंगे झंडे वाली आपको नज़र आएंगी। और यहाँ बात ज़्यादा एक मिनट लूँगा मैं आप लोगों का। क्या नाम है आपका? राहुल नाथ। राहुल क्या करते हो? मैं ट्रेडिंग करता हूँ। स्टडी करते हैं आप? क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, क्या नाम है आपका? सूरज नाथ। सूरज नाथ, दोनों भाई हो? हाँ भाई है, फ्रेंड है। फ्रेंड है नाथ नाथ। अच्छा ये बताओ आप देख रहे हो माहौल भगवा झंडा या तिरंगा झंडा? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा। हाँ क्या सब आप? दोनों ही है अभी के लिए, क्योंकि राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ। हाँ। और कल रिपब्लिक डे है तो दोनों का ही उड़ रहा है अभी। दोनों उड़ रहा है। आपको चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे?
मैं तो अभी फिलहाल दोनों चूज करूंगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उधर दूसरा चूज करने का। भगवा भी चाहिए। दोनों भगवा देखिए वहाँ यहाँ वो भगवा वहाँ यहाँ सीपी में थोड़ा भगवा थोड़ा भारी लग रहा है मुझे। भगवा ही चाहिए। भगवा तो है चल रहा है कितने दिन से। सीपी में तो सिर्फ यही लड़े है और बाकी तो है ही नहीं। एक तो बड़ा तिरंगा उधर ही है, बाकी एक छोटा सा है पेड़ के नीचे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। क्या करते हो आप? मैं अभी स्टडी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? मतलब वो जस्ट डिग्री क्लियर हुआ है। काहे का? क्या पढ़ाई की है? बीए का। बीए कहाँ से? हाँ हम तो असम का है। असम से? असम में क्या? अभी तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम से होके गई, कुछ माहौल बना उधर? तो एफआईआर हो गया शायद राहुल गांधी। राहुल गांधी का एफआईआर हो गया? वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। क्यों? मेन सिटी से कौन कौन लेके जाता है मेन सिटी से? नहीं नहीं गया, उसको जाने नहीं दिया, बैरिकेड लगा के रोक दिया था। गया था, गया हुआ था, इसलिए तो मारपीट हुआ ना। हम सब उसके आगे नहीं गया, फिर वो रोक दिया उनको, तो रुक गया। फिर जाके उस उन्होंने चेंज किया ना रूट। अच्छा किया, उनके ऊपर एफआईआर कर दी। हाँ ये तो अच्छा हुआ। असम वाले का तो सब सब। ममता बिश्व शर्मा कैसा लगता है आपको? फेवरेट है हमारे। मामा है वो। मामा है वो? हमारा फेवरेट है। सबका, असम का सबका मामा है वो। पसंद है आपको वो? हाँ पसंद है, इसलिए तो सीएम है हमारे। यार सीएम तो हमें पसंद नहीं आया। पहले कांग्रेस में था वो? हाँ तो था, क्योंकि उसको लगा कि कांग्रेस अच्छा नहीं है, बीजेपी अच्छा चल रहा है, इसलिए बीजेपी आ गया। हाँ। भाई जो अच्छा चलता है, जो अच्छा राह में चलता है, वही राह में सब चलते हैं। जेन्युइन सी बात है ये। आपको लगता है कभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? ऑफ कोर्स बन पाएगा ही, बन जाएगा। हाँ बनेगा। हिंदू राष्ट्र में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसा चल रहा है वैसे ही होगा, लेकिन सब हिंदू यूनिटी पे रहना चाहिए। अभी नहीं है? नहीं है, नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं है? आप सोच लेना यार। कौन से जिले से आप लोग? असम के? नौगांव जिला। नौगांव जिला से हैं? अच्छा ठीक है, तो वहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा बढ़िया है? हाँ वहाँ पे भी हेमंत, मतलब पूरा असम पे हेमंत बिश्व शर्मा बढ़िया ही है, बहुत बढ़िया है। वो कह रहा है बॉडी डबल लगा के राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, बोलता रहता है कुछ कुछ। हाँ उनका तो चलता ही रहता है, उनका पर्सनल भी मैटर हो गया है शायद। मैटर हो गया है। हाँ, वो तो हो गया। पॉलिटिक्स छोटा थोड़ी ना है, वो ऐसे घुमा फिरा के पूरा चलता रहता है वो। तो मतलब आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बने? हाँ बने और बनेगा। बनेगा? हाँ। कैसे? जब योगी आएंगे ना तब। योगी जब आएंगे तभी बन जाएगा, टेंशन मत लो। तो आपने युवा जो है अभी बीए करके दोनों जो है लड़के पास करेगा यार, बिल्कुल खुशी के साथ कि जब योगी आएगा तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तिरंगा झंडा चाहिए साथ में, चाहिए उन्हें हमारा जो भगवा झंडा भी है वो भी उन्हें चाहिए। तो ये युवाओं से हम कोशिश करते हैं ज़्यादा जानने की कि उनको क्या लगता है, कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि तिरंगा झंडा भी ज़रूरी है और उनका कहना है, लेकिन भगवा झंडा साथ में, और वो हेमंत बिश्व शर्मा के फैन भी नज़र आए, और कोशिश करेंगे बात करने की लोगों से। हाय क्या नाम है आपका? आफी अहमद। आफी क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया जी। आफी क्या करते हो आप? मैं अभी अलीगढ़ में पढ़ाई कर रहा हूँ, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मास्टर्स कर रहे हो? और सीपी में आए हो घूमने के लिए या कुछ ऐसे? अभी अलीगढ़ से अभी हम लोग ट्रेन पकड़ के आए हैं, कल का परेड देखने के लिए। रिपब्लिक परेड देखने? परेड देखने के लिए आए हो? तो रूममेट आए हैं साथ में। अरे आओ यार, कहाँ चले जा रहे हो? भुट्टा उट्टा खा रहे हो? कल परेड देखोगे? जी जी जी। तो देश में क्या माहौल? अच्छा माहौल। देश का माहौल काफ़ी सांप्रदायिक हो गया है, देख रहे हैं कि लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे मार पीट रहे हैं एक दूसरे को कहीं पे। अच्छा यार ये बताओ, आप युवा हो और मैं अलीगढ़ बहुत जाता रहता हूँ, मेरे बड़े दोस्त हैं, मैंने वहाँ बड़ी रिपोर्टिंग की एक दौर में, और अभी भी हमारे कलीग जाते हैं। क्या लग रहा है आप लोग जो एज अ यंगस्टर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या फ्यूचर है आप लोगों का? पढ़ाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको इंडस्ट्री से लिंक करना बहुत कर नहीं रहे हैं उस हिसाब से। जिस ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ रहे हैं हम लोग, उसको एक्चुअली इंडस्ट्रीज के कनेक्ट में, इंडस्ट्री के जैसे ऐसा काम ज़रूरत है, उस तरीके से ट्रेन हम लोग को एजुकेशन में भी नहीं किया जा रहा है। उस तरीके की स्किल्स हम लोग डेवलप करना, थोड़ा सा खुद करें, हम लोग खुद कर रहे हैं अलग बात है, बट ऐसे यूनिवर्सिटीज़ करा रही हों या यूजीसी की तरफ से कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम्स हों, उस तरीके का अभी भी सेटअप है नहीं। है नहीं? कहाँ के हैं आप रहने वाले? मैं रहने वाला से मऊ का हूँ, बट ऑल ओवर इंडिया, पापा की जॉब रहेगी तो ऑल ओवर इंडिया मतलब मैं रहूँ। कल एक्साइटेड है रिपब्लिक डे परेड? बिल्कुल, पूरी रात हम लोग, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। 10 दिन पहले टिकट कटा लिया था इसका, बुक कर लिया था, और अब हम लोग जो है कल देखेंगे। झंडा वंडा ले लिया? झंडा वही खरीदेंगे कल। अब ले जाना कुछ अलाउड तो ऐसे है नहीं, बस पहुंचे ही हैं कि फिर हमने भुट्टा कैसे खा लें आगे सीपी में। ठीक है, जाइए फोटो शेयर करिएगा अपने रिपब्लिक डे परेड की। आओ भैया, क्या नाम है आपका? ब्रजेश। हाँ मैं डिटेल बता रहा हूँ। थैंक यू। क्या नाम है आप? ब्रजेश देवप्पा। क्या करते हो ब्रजेश भाई? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में।
ब्रजेश भाई, तिरंगा झंडा या भगवा झंडा? दोनों बराबर। दोनों बराबर, पहले तिरंगा फिर भगवा, दोनों चाहिए। दोनों दोनों चाहिए। भगवा क्यों चाहिए? भगवा चाहिए ना, ऑब्वियसली वो चाहिए चाहिए भगवा, क्योंकि हम प्रभु राम जी के वंशज हैं, तो भगवा चाहिए चाहिए। हमारा भी जो राम मंदिर बना बहुत अच्छा बना, बहुत खुशियाँ हुई, बहुत ये लग रहा था कि उसी दिन दीपावली, दीपावली से भी बढ़ के दीपावली लग रही थी उस दिन। बड़ा रौनक आई, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया, पटाखे फोड़े, दिए जलाए, बहुत मज़ा आया। जो हमारे जो 500 साल मैं नहीं हो पाया, वो 22 जनवरी सन 2024 की तारीख वो इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। किसने किया ये संभव? संभव ये हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार है। काफ़ी उन्होंने उनके, हम काफ़ी उनको कामों को बहुत सराह, बहुत सराहनीय है उनके कार्य, जो भी बहुत अच्छे कदम उठाए उन्होंने 2015 के बाद। हर काम अच्छे हुए उनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में। कहाँ गए? आओ तो, कहाँ चले गए? देख रहे, सुन रहे तो, क्या नाम है? राज नाम है। राज। राज क्या करते हो? मोबाइल का काम है मेरा। तिरंगा झंडा या भगवा झंडा? दोनों भी। दोनों चाहिए। भगवा झंडा क्यों चाहिए? धर्म है अपना, हो घर पे चाहिए। तो तिरंगा नहीं चाहिए घर में? मैं तो बोल रहा हूँ दोनों चाहिए। दोनों घर पे लगाओगे? ठीक है, आओ तो यहाँ तो आओ। भाई से बात करो, क्या बन रहा है? साथ में कहाँ से हो आप, कहाँ के रहने वाले हो आप? नागपुर से। नागपुर से हो, क्या क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, माहौल ठीक है यहाँ पे कनॉट प्लेस में? क्या देख रहे हो? अच्छा ना भी है। घूमने आए हो? घूमने आए हो आप भी? नागपुर से आए हो? कल कल क्या है? कल क्या है? 26 जनवरी 26 जनवरी को क्या हुआ था? बहुत बड़ा दिन। क्या दिन था? हुआ क्या था? कौन आजाद हुआ था? सब आजाद हो गए थे। सब आजाद हो गए थे 26 जनवरी को? 15 अगस्त को क्या हुआ था फिर? उस दिन क्या हुआ था? शहीद हो गए थे उस दिन। शहीद हो गए थे 15, कल 26 जनवरी है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस हुआ था पहले। अच्छा बताओ, 26 जनवरी को क्या है? स्वतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है? आप बताओ क्या है? आप बताओ। स्वतंत्र दिवस है ना? स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी को भाई। गणतंत्र मनाएंगे लेकिन भाई गजब। कल क्या है? देखो नहीं पता भैया। कल 26 जनवरी को क्या? मैं पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान से आए हैं? बड़े बड़े अच्छे। तुम बताओ यार, तुम तो दोनों। क्या बताऊँ भाई, बोलो ना क्या बताऊँ। 26 जनवरी को क्या हुआ था? मेरे को कुछ नहीं पता क्या हुआ था। 26 जनवरी को नहीं पता क्या हुआ था? नहीं। छुट्टी होती है? नहीं, 26 जनवरी को छुट्टी नहीं होती। अपना तो बिजनेस है ना, अपने क्या दुकान थोड़ी ना बंद रहेंगे। बिजनेस नहीं तो 26 जनवरी को आप स्कूल जाते थे, लड्डू मिलते थे कि नहीं मिलते थे? कुछ नहीं मिलता था। घूमने निकल जाते थे ना स्कूल के बहाने। आप बताओ क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। सूरज भाई कहाँ से हो? पटना। पटना। कल 26 जनवरी है, क्या हुआ था 26 जनवरी को? देश का संविधान बना था। वाह 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 वाह, लागू हुआ था। आपका नाम क्या है? नितेश। नितेश क्या करते हो? स्टडी कर रहे हैं, एचएम कर रहे हैं। एचएम कर रहे हैं? लास्ट ईयर। होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो नितेश क्या लग रहा है, कल 26 जनवरी है और आप यहाँ पर आए हैं, माहौल देख रहे हैं, इस माहौल को देख के आपको क्या लगता है, एज अ यंगस्टर आप क्या सोचते हैं? अभी अभी तो राम मंदिर बना है, तो माहौल सारा वही अभी चल रहा है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, कल 26 जनवरी है, बहुत अच्छा। कल कोशिश करेंगे जाने का, देखने का क्या होने वाला है, बट अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तिरंगा झंडा या भगवा झंडा? सर पहले संविधान को लेके चलेंगे, उसके बाद देश चलेगा सर। तो पहले तिरंगा झंडा सर, फिर भगवा झंडा। चलो, आप लोगों से मिलकर थोड़ी सी उम्मीद आती है कि ऐसे लोग भी जो कहते हैं संविधान से चलेगा देश, तो अच्छा लगा मिलकर। नीतीश, संविधान पहले सर, देश बाद में। संविधान पहले और फिर देश बाद में। बहुत बढ़िया लगा सुन करके आपके बाद। मैं आपको देता हूँ नंबर। हाँ, फोटो ले लेंगे यार, मैं यही हूँ। और लोगों से बात करते हैं। आप यंगस्टर्स, क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है भाई। कुलदीप भाई, कल क्या है? कल क्या है? 26 जनवरी है कल। 26 जनवरी में क्या हुआ था? 26 जनवरी को क्या हुआ था? ठीक है। अच्छा ठीक है, 26 जनवरी को क्या हुआ था? पता नहीं भाई। अच्छा, 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन बना था, वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। चलो ठीक है, क्लोज तो पहुंच गए, तो यहाँ तो आगे लड़के कह रहे थे पता ही नहीं हुआ क्या है। छब्बीस जनवरी का बर्थडे कल हुआ। 26 जनवरी को क्या था? छुट्टी है कल, क्या हुआ था? रिपब्लिक डे में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। चलो, क्लोज लागू हुआ था 1950 में लिख गया था। हमारा जो है संविधान लागू हुआ था, जिससे अभी तक देश चल रहा है, उस पर भी लोग डिबेट करते हैं। अच्छा, तिरंगा झंडा या भगवा झंडा?
तिरंगा तो हमारा बहुत बदले है भाई शुरुआत से, एक झंडा थोड़ी हमारा, बट जो शुरुआत में फर्स्ट टाइम पे ब्रिटिशर्स से पहले जो था वही अभी भी है भगवा झंडा। नहीं नहीं बेसिकली इनका सपोर्ट पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके, मतलब एक झंडा चूज करना है अगर आपको तो भगवा झंडा या तिरंगा झंडा? भाई तिरंगा ही है, भगवा से ऊपर है भाई। चलो अच्छी बात, भगवा भी है, भगवा तिरंगा के बाद भगवा ही है, भगवा ही है फिर ऑरेंज, लेकिन अपना वो सपोर्ट हिंदू, जय श्री राम। ठीक है, अच्छा भाई क्या नाम है आपका? मेरा भारत भूषण जी। भारत भूषण क्या करते हो? मैं तो पढ़ू जी, अभी पढ़ रहे हो, हरियाणा से हो? हाँ। क्या हाल है? सब ठीक। हाल तो कल क्या है? कल क्या है? 26 जनवरी है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? क्या हुआ था? गणतंत्र अपने संविधान का, वो देश का संविधान लागू हुआ था उस दिन। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। आप बताइए नाम। राजू। 26 जनवरी को क्या हुआ था? अपना संविधान लागू हुआ था। सारे भाइयों को बताए, बहुत बहुतों को पता ही नहीं है, बोल रहे हैं आजाद हुआ था, एक नहीं मारा छुट्टी होती है, मेरे दोस्त का बर्थडे। वो सब राहुल गांधी के चेले हैं, वो सब राहुल गांधी के चेले। गणतंत्र लागू हुआ, नागरिकों को हक मिले, तो सभी को बराबर हक मिले उस दिन 26 जनवरी 1950 को। राहुल गांधी से क्या लेना देना उनको नहीं पता? नहीं, वो उनको प्राउड हिंदू है, वो मोदी के समर्थक थे सब। नहीं पता है, वो मोदी के समर्थक थे सब, वैसे उतना ही पता है। वो स्टॉप पे कोयला जला रहा था आज, आज का न्यूज आपने देखा? बोल रहा है कल कल, हाँ कल, वही मैंने आज देखा है। नहीं तो वो तो जो जितने थे उनको नहीं पता था, वो सब मोदी को कह रहे थे कि उसके बाद भगवा झंडा है। वैसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कहा उन्होंने, तो मैं आपकी वो नॉलेज करेक्ट है। तो इस वैसे ज्ञानता अज्ञानता का लेना किसी नेता से कुछ नहीं होता, सबकी स्लिप ऑफ टंग है, अज्ञानता की पुतली है, अभी उसको कुछ भी बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता। तो अच्छा ठीक है, बताओ तिरंगा झंडा या भगवा झंडा, एक चूज करना है? दोनों दोनों, चलो दोनों। आपका नाम क्या है? दिनेश। एक टेस्ट कर लूँ छोटा सा? कर लो। 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था यार। ये गुजरात से हो आप? नहीं, राजस्थान। राजस्थान से हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बॉर्डर से। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमारी नाम है मेरा भी। तिरंगा झंडा है भगवा झंडा? दोनों है, दोनों चाहिए। हाँ, भगवा भी चाहिए ही चाहिए। चाहिए क्यों? बस धर्म तिरंगा में है ना। हाँ। वो भी तिरंगा में, उसकी भी वैल्यू है ना, तो अलग, वो तो है ही है ना साथ में। नहीं नहीं, वो भी जरूरी है, फिर धर्म का भी जरूरी है, दोनों जरूरी है बस। दोनों इस देश के लिए दोनों जरूरी है, तो धर्म है, धर्म है तो देश है। धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक है, बस सीधी बात है। धर्म नहीं रहेगा तो फिर कॉम्प्लीमेंटेड, कोई फायदा नहीं है फिर। धर्म नहीं है तो फायदा नहीं। हाँ, वो भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है। धर्म जरूरी है यार, धर्म रहेगा तो देश इकट्ठा रहेगा ना, देश मजबूत रहेगा। नहीं तो भी देख लो, कल मेरा रोड वाला परसों शायद हुआ था 21 जनवरी को। संविधान तो सबको बराबरी का दर्जा देता है, जहाँ जहाँ से भगवा हटा ना वहाँ से तिरंगा भी हट गया। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ। इसलिए भगवा जरूरी है तिरंगे के लिए, और तिरंगा भगवा हटा जहाँ भगवा जरूरी है, भगवा हटा तिरंगा भी नहीं हटा, तिरंगा हटने के बाद हरा झंडा आ गया वहाँ पर, ये भी है। कई जगह देख लो आप, कश्मीर में देख लो हरा झंडा। ऐसा लग रहा है कि भगवा जैसे कहते हैं ना, अराजकता का प्रतीक हो, बट वो शांति का प्रतीक है, पर ये देश का नेशनल फ्लैग इज टू इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। अराजकता का प्रतीक कौन है? आपकी विचारों से लग रहा है कि आप बता रहे हैं, पर भगवा है जो शांति का प्रतीक है। नहीं ठीक है, उसमें तीन कलर है। भगवा ओज का प्रतीक है मेरे भाई, भगवा ओज का प्रतीक है, शांति का प्रतीक आप कैसे? ऐसे भगवान बुद्ध ने शांति के प्रतीक के लिए इसको चुना। सनातन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ, शांति से मतलब नहीं है, वो ओज का प्रतीक है, वो आग का प्रतीक है, ठीक है ना। आप, मैं वैसे बता रहा हूँ, आप जैसे बता रहे हैं दोनों, पहले देश का नेशनल फ्लैग है, हम बोले ठीक है, वो हमारे धर्म है, वो मेरी, हम वही बोल रहे हैं, देश है भाई। मैं बोल रहा हूँ दोनों चाहिए, जब एक होगा तब दूसरा रहेगा, दोनों एक, देखो अंकल जी बोले दोनों पूरक है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, समझ रहे हो? देखो पहले नेशनल फ्लैग, मैं अपना विचार बताता हूं, मेरे लिए पहले देश जरूरी है और संविधान जरूरी है, ठीक है। हम तो हमको संविधान से इस देश में सभी को हक मिले बड़े, वरना इस देश में भाई एक मैं बात बोलूं। हां बोलिए। हां, जहां भगवान नहीं है, ठीक है ना, अपने आजू बाजू में वहां पर कितना संविधान मिला हुआ है लोगों को, देखा है आपने? और भी कंट्री है जहां पर भगवान नहीं है, वहां पर कितने लोगों को संविधान मिला है, वो सब देखते हैं। ये इनकी बातों से मेरे को लग रहा है ये थोड़ा इधर उधर करके बोल रहे हैं, पहली बात बताइए, इधर उधर करके बोल रहे हैं। जब देश, इस देश का संविधान है, भारत के लिए बना है, ठीक है, भारत के संविधान में कोई कमी है वो बताइए। आप जो कह रहे हैं कि इधर उधर भगवान नहीं है, कमी होती है। एक भारत के संविधान में, सभ्य संविधान में एक बहुत अहम बिंदु है, वो है सेकुलरिज्म, यानी हर धर्म का, हर धर्म का सम्मान, और हर अभी है ना वो जो सेकुलर वर्ड आया ना, वो आया 19 ओबना, जो आना चाहिए, रखना चाहिए, हटाना चाहिए। हाँ, वैसे ही अपन हिंदू है ही सेकुलर, उसमें सेकुलर शब्द की जरूरत क्या है, हम तो सेकुलर हैं। हमारे देश में जब पारसी इतना माइनॉरिटी भी सेफ है, इतने बड़े उद्योगपति है पारसी, जैन भी सेफ है, सिख भी सेफ है, तो कौन सेफ नहीं है वो बोलो ना। पारसी को, रतन टाटा को कोई थ्रेट नहीं है,
तो इतने बड़े जनसंख्या को कैसे थ्रेट हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लाखों, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो पारसी है बंदा, वो माइनॉरिटी का भी माइनॉरिटी है, उसको थ्रेट नहीं है, किसको थ्रेट हो सकता है हमारे इसमें हिंदुस्तान में? मेरे लिए फ्लैग फर्स्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग राजस्थान से आए और मैं बिल्कुल भिड़ाऊंगा नहीं किसी को भी, लेकिन लेकिन देखिए आप समझिए आप की जो भावना, आप कुछ कहना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, हैं सुनने वाले बहुत ज़रूरी हैं, पूरे मज़े लेने हैं, हैं ठीक है। तो आपने सुना, हमने कोशिश की जानने की कि जनता के दिल में क्या है। बहुतों को बड़ा दुख की बात है, बहुतों को नहीं पता कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था या देश को संविधान लागू हुआ था, और संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है और दिया भी, वो सम्मान सबको मिला कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, ऊंच नीच जात पात से धर्म से ऊपर संविधान है जिससे देश चलता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से, पर आज भी देश में आप अगर कहीं जाएंगे गांव कस्बे में, वहाँ आज भी ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिनको आज भी वो हक अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिए। और इस देश में एक नॉर्मल सी बात है, रिजर्वेशन को कोसा जाता है, मैंने बहुत से मैं देखता हूँ वीडियो, रिजर्वेशन को कोसा जाता है। रिजर्वेशन इस देश में उन गरीब तबकों को रिप्रेजेंट करा उसने जो कहीं साल लाए, बिल्कुल स्थिति में लाए। आज रिजर्वेशन ना होता तो बहुत जो एक अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बैकलॉग है, बैकलॉग में नौकरियाँ पड़ी है 25,000 SC ST OBCs की, वो उनको मिलनी चाहिए, वो रिक्त स्थान भरे क्यों नहीं जा रहे? ऐसी यूपी में कहीं लाख पड़े हैं संख्या में, ऐसे कहीं राज्यों में SC ST OBCs की नौकरियाँ पड़ी, उन्हें क्यों नहीं मिल रही? और फिर हमारे देश में कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है क्यों? नॉर्मल सी बात है, वो भरी जानी चाहिए ना, वो नौकरियाँ खाली हैं क्यों? अगर दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में 25,000 बैकलॉग की नौकरियाँ खाली हैं तो यूपी जैसे बड़े प्रदेश में कितनी नौकरियाँ होंगी? ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। आपको लग रहा है कि जो स्थान है खाली है, वैकेंसीज मिलनी चाहिए रोजगार के मुद्दे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, जो आज पूरा देश में आपने भगवा का सम्मान किया है, राम मंदिर को भी हमने माना है, हमने स्वीकार किया है, तो आज 26 जनवरी को कल हमारा गणतंत्र दिवस है, क्या आज मोदी जी ने ये नहीं दिखाई दिया यहाँ भी तिरंगे झंडे होने चाहिए देश में? अब यहाँ तो यहाँ भगवे झंडे, अब देखो ना ये सम्मान है या क्या है, बताओ आप खुद समझदार। ये भगवे झंडे 2-3 दिन के पहले के लगे हुए 22 के, और अभी इनको है ना, इनके लिए कलेक्शन सेंटर बनाया गया, NDMC ने अनाउंस कर दिया और पूरा MCD ने कलेक्शन सेंटर में ड्रॉप होंगे। इनको ये नहीं कि ऐसे उठा के डस्टबिन में डाल दिया या गार्बेज में डाल, इसकी कोई इज्जत होती है और इसको टाइम लगेगा, ग्रेसफुल डिस्पोजल होगा इसका, भगवा झंडे भगवे ग्रेसफुल होगा बिल्कुल, भगवा झंडे लगे राम प्रचार के बाद ही लगे। सामने तिरंगा झंडा है हमारा, सूर्य छपने से उतारा जाता है, जब एक कर्मचारी यहाँ नहीं लगा सकते आप इसके सम्मान के लिए, तो आप क्या करोगे? अच्छा है कि देश में चर्चा हो रही है इन मुद्दों को लेकर के, बस अंतोदगतवा यही है कि संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है और किसी धर्म को ये अधिकार नहीं दे देता कि वो अगर मेजॉरिटी में है तो माइनॉरिटी को लोगों को हीन भावना से देखें और उनको ये दिखाएं कि हम बड़े हैं और इसलिए आप यहाँ सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। ये संविधान सबको सुरक्षित बनाता है और सुरक्षित सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, आर्थिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और भावनात्मक तौर पर भी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर आपके कैमरे के माध्यम से, 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ और सबको कहा गया कि एक शैक्षणिक आर्थिक तो सभी बराबरी पर लाया जाएगा, पर क्या इस देश में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अभी 75 साल हो चुके हैं, 75 साल में अभी तक यह चीज़ें इस देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई, संविधान भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ इस देश में। संविधान से अगर संविधान लागू हो गया उसके पालन को लेकर के आप डिबेट कर सकते, लागू का मतलब यही होता है कि पूर्ण रूप से लागू हो, सर उसमें डिबेट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ देखो, फॉल्ट किसका है 1950 में लागू हुआ या 52, फॉल्ट किसका है जो पहले की सरकारों ने राज किया 55 से, किसका राज है मेरे को बताओ, किसका राज? ये डिबेट तो बंद है। अरे बात सुनो, आगे तुम लोग खा पी के कि अभी जो है पहले जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन है कौन नहीं है, पता नहीं कौन है, लेकिन उनको आए हुए 9-10 साल हुए और पहले वालों ने 55-60 साल राज किया यार, उनको टाइम नहीं, पहले तो ना मेट्रो थी यहाँ पर बनी ना, हवाई जहाज में चले हम लोग सब। अरे कैसे अंकल आप कैसे बात कर रहे हैं, अंकल आप क्या करते थे?
मैं तो अभी भी करता हूँ और कल भी। पहले क्या करते थे मतलब आपने? जब मैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और आप तो मतलब अंकल बहुत सीनियर हैं मुझसे, बहुत बड़े हैं। तो वो आपको जब नौकरी मिली या कहीं काम मिला तो वो किसके दौर में मिला? किसके दौर में? मैं तो प्राइवेट नौकरी करता रहा हूँ और अभी अभी भी अभी वही अभी रिटायरमेंट के बाद अभी भी कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते आपके अंदर स्किल है, स्किल थी तब भी तो आपको काम मिला और आज भी काम कर रहे हैं ना, स्किल सेट की बदौलत कर रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसी बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं, मैं चाहता तो मैं रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाता, मुझे क्या, मुझे तो पेंशन भी आ रही है प्राइवेट। अच्छी बात, हाँ। तो ऐसी बात नहीं है, जो काम करने वाला है उसके काम की वो नहीं है। देखो प्राइवेट नौकरी भी हमें बहुत बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। अब देखो 2014 से लखनऊ में कई जगह जो है इसराइल भेजने के लिए वो सेंटर्स लगे और वहाँ भीड़ लगी हुई है, लोग कह रहे हैं यहाँ बेरोजगार रहने से अच्छा है कि इसराइल में जाकर एक आध गोली लग जाए तो कोई बात नहीं है। तो ये भी मैं बता रहा हूँ, सच्चाई इस देश की बता रहा हूँ। अच्छी बात है कि इस बात पर चर्चा कर रहे हैं आप लोग और युवाओं को लग रहा है। नहीं, आईसीएस में भी जा रहे हैं, आईएसआईसी में भी जा रहे थे बहुत, जो मतलब अच्छे टेक्नोलॉजी, जिनको मतलब टेक्नोलॉजी का इतना तजुर्बा है, मतलब किसी को तजुर्बा नहीं है, वो आईएसआईसी में भी भर्ती हो रहे थे पहले। ऐसी बात नहीं है, पहले जेल थे, वो सब जेल चले गए। और ऐसे भी जाना चाहिए उन लोगों को जो आईएसआईसी में भर्ती हो रहे थे, उनको जेल जाना चाहिए। जेल, देखो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह रहा हूं ना, उसमें क्या है, मैं क्या कह रहा हूं। तो खैर फिलहाल आप समझाते रहो, बहुत मेहनत लगेगी अभी, ठीक है? तो हमें कुछ नहीं बांट रहे हैं सर, चम्मच कुछ दे रहे हो। 26 जनवरी कल है ना, ज्ञान बट रहे हैं। 26 जनवरी, हाँ हाँ, कल है। क्या हुआ था 26 जनवरी को? क्या हुआ था, क्या हुआ था, किसको हुआ था 26 जनवरी को, क्या हुआ था नहीं पता? अच्छा, झंडा तो भराते ऐसा कुछ करता है, झंडा भराते हैं। हाँ, गणतंत्र दिवस संविधान तो लागू, शायद गणतंत्र दिवस बोलते हैं उसको, इसीलिए ना, शायद गणतंत्र दिवस। हाँ अंकल जी बता दी सर, बहरहाल अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये युवा हैं, अच्छी बात है, लेकिन माहौल अच्छा है और सब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अभी कुछ लड़के मिले जो इसलिए आए हैं दूर से कि उनको 26 जनवरी की परेड देखनी है, और जरूर देखें परेड, क्योंकि इस बार जो महिलाओं का अच्छी खासी भागीदारी है उस परेड में, अब उनको देखेंगे झंडा आगे लिए हुए और प्रदर्शन करते हुए, तो अच्छी बात है, माहौल बन रहा है और संविधान में। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पे हो रहा है?